हमें चाहिए होगा पानी, जो मैंने लिया है 250 ml मेरे पास पानी है और 150 ml मेरे पास है मैदा। और ऑयल लेंगे हम फ्राई करने के लिए। 3 अंडे हैं मेरे पास और ये मेरे पास है बटर जो कि है 55 ग्राम है, और थोड़ा सा नमक लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन और उसमें डाल देंगे हम पानी, 250 ml हमने लिया था, और नमक ये भी हम इसमें डाल देंगे, और इसके साथ ही हम डाल देंगे हमारे जो सा बटर है 55 ग्राम बटर लिया था हमने, और इसको डाल के हम इसको करते हैं मेल्ट और पानी को उबालते हैं। पानी को जो है वो उबाला चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारा आटा, कौन सा हमारे 150 ग्राम सारा आटा एकदम इसमें डाल देंगे। हमने पानी को जो है वो जलाना नहीं है, और इस तरह इसको हिलाते जाएंगे और तब तक पकाएंगे कि जब तक हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से एक पेड़ा ना बन जाए, या जब तक जो है हमारा पेड़ा जो है वो हमारे बर्तन को छोड़ ना दे, तब तक हम इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम पे कर दिया, तो इस तरह इसको हम पकाते जाएंगे। जी हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है, देखने बर्तन इसने छोड़ दिया, अब बर्तन इस तरह नीचे पक रहा, तो अब हम इसको निकाल देंगे बाहर बर्तन से, इसको डाल देंगे हम इस बर्तन में। अब इसमें डालेंगे अंडे 3 और के सारे अंडे डाल दें, और इन सभी को आप अच्छे तरह से इन अंडों में मिक्स कर दें। इस तरह से आप इस अंडे को सारे को मिक्स कर लें, तो आपका एक बहुत ही जोन सी नरम जोन सी है वो लेवी किस्म की तैयार हो जाएगी आपके जोन सा ये मसाले। मैं इसको सारे को मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। और शुरू में है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसको आप इस तरह से घुमाते जाना, तो ये खुद का होती ये पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। ये देखें शुरू में आपने देखा था किस तरह मोटे मोटे थे, तब ये देख रहे मिक्स होता जा रहा है, तो आप इसको जो सा मिक्सर है उसकी मदद से फिर इसको ब्लेंड कर सकते हैं, अगर आप हाथों की मदद से नहीं करना चाहते। अगर हम हाथों से करना है तो इस तरह से आपने इसको घुमाते जाना, हाथों की मदद से घुमाते जाना, तो ये खुद बहुत ही पेस्ट बन जाएगी। शुरू में ज़रा डिफिकल्ट होगा और बाद में आस्ता आस्ता खुद बहुत ही ये पिघलता जाएगा। तो हमारे जो आटा और अंडे हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ये देखिए आप। तो लेकिन जो अभी तक ये छोटा सा था, क्योंकि अंडे जो थे वो साइज में छोटे थे, तो इसमें जो है एक अंडा मैं और शामिल करूंगा। ये देखिए छोटे अंडे थे, अगर आपके पास बड़े अंडे हैं तो आप 3 डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा, मेरे जो अंडे तो बहुत छोटे थे, तो इसमें मैंने एक अंडा और डाल दिया। अब मैं इसको करूँगा मिक्स सेम तरीके से, इस तरह से मैं इसको घुमाता जाऊँगा, तो ये खुद बहुत ही नरम हो जाएगा। हमारी जो डो है वो तैयार हो चुकी है, ये देखें इस शेप में आएगी आपकी भी, इस तरह की लेवी मिलेगी आपको, ये देखिए इस तरह की लेवी होगी। और अब हमने इस सारी आटे को शिफ्ट करना है इस कोन में। ये कोन कौन सी होती है, केक डेकोरेशन के लिए, स्वीट डेकोरेशन के लिए जो चीज़ कोन होती है ये होगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक आयरन शार्पर ले लें, उससे होते हैं फ्रीजिंग वाले, उसमें डाल के उसका एक कोना काट के कैंची से, तो उससे ही आप बना सकते हैं। तो अभी मैं इस सारे को शिफ्ट करूँगा इस कोन में। इसको शिफ्ट करने के लिए एक चम्मच लें और इसको डालें इसमें, और हाथों की मदद से आप इसको निकाल लें। जेब तोलों को बनाने के लिए हमें चाहिएगा एक ओवन पेपर, ये मैंने ओवन पेपर लिया है, ये इसलिए लिया है कि जो से जेब तोले हैं वो हम बनाएंगे इस ओवन पेपर के ऊपर, और फिर इस ओवन पेपर को काट कर रखते हैं, इसे को हम शिफ्ट कर देंगे ऑयल में जहाँ पर हम इसको फ्राई कर। उसको बनाने के लिए हम लेंगे एक पेपर, और इस पेपर पर हम रखेंगे इस कोन को, और यहाँ पर इसको दबाएँगे इस तरह से, और हमने इसका जो सा सर्कल रखना है तकरीबन 8 सेंटीमीटर हमने इसको गोल रखना है। यहाँ आप अपने साइज के मुताबिक इसका साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और हमने इसको ऊपर से इस तरह से घुमाते जाना है, इसकी जो सी मंजिलें हैं हमने बनाती जानी है,
तो तीन दफ़ा हमने इसको घुमाना है। तो मेरी ये तीन दफ़ा पूरी हो चुकी है, तो ये एक बन गई है। मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ इसके साथ ही इसी पेपर पर। तो ये दबाएंगे, ये निकलना शुरू हुआ इस तरह से। आप बना लें, ये एक लेयर होगी, ये दूसरी लेयर, उसी लेयर के ऊपर लग रही है, ये दूसरी लेयर पूरी होगी और ये तीसरी लेयर में बना लें। आप लेयर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये तीन लेयर, ये तीन लेयर मेरी होगी। सभी के ढंग से मैंने पेपर पर बना लिए। अब हमने इनको काट लेना है इस तरह से, हो गया। ये हमारी एक लाइन, तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर, इसको हमने काट लेना है। तो ये हमारा हो गया एक पीस। इस तरह से आपने सबको काट के साइड पर रख देना है। फ्राई करने के लिए मैंने एक आटा बर्तन लिया है और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल मेरे जो से है वो हीट अप हो चुका है। इसको हम फ्राई पैन में इसलिए फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक एक करके इसको फ्राई करना है, और अगर आप पैन में फ्राई करना चाहते हैं तो उसमें ऑयल ज़्यादा लगेगा। इसलिए मैंने एक बर्तन लिया, तंग सा बर्तन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। इसलिए जो हमारा ऑयल है वो भी कम यूज़ होगा और जो से हमारे ये बिस्किट्स हैं ये भी जल्दी फ्राई हो जाएंगे। तो हीट जो है मेरा जो सा ऑयल है वो हीट अप हो चुका है और मैंने ये पहले ले लिया। इसको हम रखेंगे इसी तरीके से, इस तरह से उठा करके इसको रख देंगे और ये बखूबी जो सा हमारा पेपर है वो बाहर आ जाएगा। इसको हम उल्टा रखना है, जब उल्टा हो जाएगा इस तरह से आप इसको पेपर को ही बखूबी छोड़ देगा। ये देखिए, ये देखिए पेपर को आपने निकाल लिया है और निकालने के बाद आप इसको प्लेट में रखते हैं। तो इसको फ्राई करते हैं तकरीबन 3 से 5 मिनट लगेंगे, सारा फ्राई हो जाएगा। तो मैं एक फ्राई कर लो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी एक साइड जो सी है वो देखें फ्राई हो चुकी है, इस तरह का हमें कलर चाहिए। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ये चेंज हो गया। तो मैं इसको दूसरी साइड पर कर लूँगा। हमने दो इसलिए इसमें नहीं डालने क्योंकि हम अगर इसमें दो डालेंगे तो जब हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वो नीचे चला जाएगा। ये अकेला अकेला फ्राई होता है जी, ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के लिए मैंने एक पेपर में रख लिया जो सा हमारा फ्राई पेपर है जो सा ऑयल को अब्सॉर्ब करता है, उससे आप निकाल के ये देखें कितना गर्म बने माशाल्लाह। इस तरह से आपने पीस निकाल लेना लाइट ब्राउन करके। तो इसी तरह से मैं आपको एक और अंदर रख के दिखाता हूँ। इस तरह एक और लें, उसको भी उल्टा रख दें इस तरह से। तो ऑयल हमारा हीट अप है और ये फटाफट से हो जाएगा। ऑयल को आपने हीट पर रखना है, इसको कम हीट ऑयल में आपने लिखना है। ये हो गया, इसको पेपर निकाल देंगे। ये देखें पेपर निकल गया, खुद बहुत ही इसको फ्राई कर लें आप। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। ये देखिए व्यूअर्स कितने प्यारे हमारे ज़ेब पोले तैयार हो चुकी हैं, फ्राई हो गए। ये देखें बहुत ही मज़े की हैं। और अब हमने इनको क्या करना है, आपके पास 3-4 ऑप्शन होती हैं। इसके ऊपर आप डाल सकते हैं हमारी जो सी शुगर है पाउडर में, वो डाल सकते हैं इसके ऊपर। और या मिलता है एक चॉकलेट मिलती है जिसका नाम है नुटेला, वो डाल सकते हैं। या क्रीम जो सी मिलती है स्वीट क्रीम, वो भी आप इनके ऊपर डाल सकते हैं। और तो वो नहीं है, अगर आपके पास जैम है वो भी आप इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं क्योंकि ये नमकीन है, हमने इसके ऊपर किसी किस्म की जो सी चीनी है वो नहीं डाली। तो ये 3-4 मैंने ऑप्शन बता दिए आपको, जो सी आपको ठीक लगे आप इसमें से यूज़ कर लें। तो ये मेरे पास है सबसे पहले जो सी है शुगर पाउडर में, तो इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पर। ये 3 होगी शुगर वाली, इस तरह से आप डाल दें शुगर पाउडर में। तो बाकी जो सी है ये चॉकलेट है मेरे पास, नुटेला चॉकलेट है, इसको मैंने ओवन में थोड़ा सा हीट दे ली थी ताकि अच्छी तरह से पिघल जाए। इसके ऊपर लगा लें चॉकलेट इस तरह से, इस तरीके से आप लगा लें। तो ये देखें ये भी हमारी एक और तैयार हो गई है चॉकलेट। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद है ये। बच्चे तो इसे कुछ शौकीन खाते हैं इतने कि आप यकीन करें कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बच्चे कितने इसको खुश होकर खाते हैं। ये देखें क्योंकि अंदर से ये बिल्कुल नरम होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बाहर से ये बहुत सा स्वीट होता है। तो इस तरह से ये देखें, इस
तरह से कुछ आपके लुक मिलेगी। ये चॉकलेट वाली हैं और ये शुगर पाउडर वाली हैं। तो आप जो सा मैं आपको चॉकलेट वाली चुनसिया वो खोल के दिखाता हूँ कि अंदर से इसकी चुनसिया लुक कैसी है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही मजेदार रेसिपी है।